कोरोना को मात देने वाली 90 वर्षीय महिला से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उनके घर बंगाणा जाकर मुलाकात की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। अधिकारियों ने महिला व उनके परिवार के लोगों को फूल देकर उनका हौसला बढ़ाया, क्योंकि ये महिला उन लोगों के लिए मिसाल बनी है जो कोरोना को लेकर भयभीत हैं। सीएमओ ने बताया कि मृत महिला के परिवार में उनकी बहू तथा दो पोतियां भी कोरोना संक्रमित हुई थी तथा सभी की रिपोर्ट 14 जून को पॉजिटिव आई थी। अब परिवार में एक पोती को छोड़कर बाकी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है। कोरोना संक्रमित पोती को कोविड केयर सेंटर खड में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि उसकी देखभाल अच्छे से की जा सके। महिला का पुत्र 2 जून को मुंबई से लौटा था और 8 जून को लिए गए सैंपल में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद कोरोना संक्रमित व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर खड में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि बाकी पूरे परिवार को होम क्वारंटीन किया गया था। महिला की आयु को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने उनका इलाज होम क्वारंटीन में ही करने का फैसला किया। डॉक्टरों की सही देखभाल तथा होम क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करने से ही वृद्ध महिला कोरोना को हराकर अपूर्ण रूप से स्वस्थ है। उन्होंने कहा कि महिला ने मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दिया तथा अपना मनोबल बनाए रखा। बंगाना वार्ड से हमारी एक फैमिली है, यहाँ पे एक आर्मी मिलिट्री को आए थे, वो 31 मई को 90 लोगों को यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद होम क्वारंटाइन कर रखा था और 7 तारीख को उनका उनको कुछ कंप्लेंट हुई थी, रात उनका टेस्ट हुआ था, रात को वो पॉजिटिव आए थे कोविड पॉजिटिव। उनको फिर एडमिट शिफ्ट किया गया था, फिर उसके बाद उनकी फैमिली को हमने होम क्वारंटाइन रखा है और आशा वर्कर्स हमारी आती थी डेली चेकअप करते थे। फिर उनका 13 तारीख को रूटीन में कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के अंदर उनका टेस्ट हुआ था और 14 को उनका जो टेस्ट था वो पॉजिटिव पाया गया। और क्योंकि उनमें उनकी मदर जो थी 90 साल की है, तो उनको ध्यान में रखते हुए और उनका ध्यान रखने के लिए बाकी फैमिली को हमने होम आइसोलेशन पर रखा था। चार लोग उनके मदर और चारों को हमने उनके रखा, उनका बेटा जो था वो सभी फैमिली को होम आइसोलेशन में रखा गया और वहाँ पर उनको डेली हमारी टीम जो है डॉक्टर अतुल राणा और उनके साथ जल्दी हो पूरी टीम जाकर उनको डेली चेक की और उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन की दवाइयों का भी ध्यान रखे और 10 दिन की टीम के बाद उनका फिर टेस्ट को उनका टेस्ट की रिपोर्ट है नेगेटिव है। और ये भी खुशी बात की और सुबह के लिए भी और प्रचार के लिए भी होम आइसोलेशन में जो पेशेंट रखा पूरा उन्होंने मोहन किया। उसके बाद उसके बाद नेगेटिव होकर करीब 4 उनमें से 3 नेगेटिव हो गए, एक लड़की को वो पॉजिटिव रही तो हमने घट चुके वो भी 4 के बाद दोबारा टेस्ट होगी और वो उनके घर के मेंबर थे मेन मेंबर थे वो भी वहाँ से नेगेटिव होकर घर में आ गए। तो आज हम पूरे परिवार मिलने गए उनको शुभकामनाएं देने थे तो धमा को मिले बहुत अच्छे हो और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया सबके लिए सबसे बात के लिए और शादी बहुत अच्छी बात है कि हमारी मेहनत का वो रहा। वहीं 90 वर्षीय महिला सहित पूरे परिवार ने प्रदेश सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया और कहा कि डॉक्टरों ने उनका अच्छे से ध्यान रखा। फोन पर भी डॉक्टर सराब के लिए उपलब्ध रहे तथा नियमित रूप से दवाएं देते रहे। महिला ने बताया कि पड़ोसियों ने संकट की घड़ी से बाहर आने में उनकी बहुत मदद की। उन्होंने अब दूसरी पोती के भी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौट आने की कामना की। अब ठीक है अम्मा जी, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है ना। हूं डॉक्टर वगैरह आते हैं, दिखते रहे सानू डॉक्टर ने बड़ी की बड़ी सेवा की आंदे रे यो रे यो दिखते रहे आई तक जानना ने बड़ी की बड़ी बोला मैं फर्स्ट तो जो यहाँ के प्रशासन है उसके प्रति मैं बहुत बहुत एस एन साहब का, तहसीलदार साहब का, यहाँ के जो डॉक्टर अतुल राणा जी जो यहाँ के प्रभारी हैं उनका मैं मेरे पास ऐसा कुछ भी बोलने के लिए नहीं है जो कि मैं उस प्रशासन की तारीफ कर सकूँ। जितनी मेरी हेल्प या मेरे परिवार की हेल्प प्रशासन द्वारा की गई उसके लिए मैं तय दिल से प्रशासन का आभारी हूँ। और उसके बाद जो यहाँ के प्रधान थे
उन्होंने मेरे परिवार के लिए अपना जी जान निछावर करने के बाद उन्होंने मेरे परिवार की सेवा की, जैसे कि उनका ये अपना घर था। एक्स प्रधान ये जो विजय जी हैं यहाँ से, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, जब मैं एडमिट था तो उन्होंने मेरे को प्रधान आपका चंद्र कुमार जी ने और विजय कुमार जी के और एक सरज मंदिर के प्रेसिडेंट है प्रवीण शर्मा, इन तीनों आदमियों का मुझे 5 बजे से फोन स्टार्ट होता था और शाम उन्होंने मेरा हर एक पल की बदी में इन्होंने जानकारी रखी। और वहाँ के डॉक्टर प्रीत उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया, जैसे उनको अभी भी फोन किया कि सर मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, उन्होंने उसी टाइम साफ भेजा और टीवी में उनका तय से आभारी हूँ। दूसरा ये जो मेरे पड़ोसी हैं, मैं ये भगवान से कामना करता हूँ, हम सब एक यहाँ के ही हूँ, लोकल टीम ही है, कि ऐसे पड़ोसी हर आदमी को मिले। इन्होंने जितना मेरे बेटा इस टाइम पूरा परिवार नेगेटिव आ गया था, आज भी मेरा बेटा पॉजिटिव, परिवार पॉजिटिव, बेटा नेगेटिव था, आज भी यही मेरे अजय जी हैं, इनके पिताजी लाला जगदीश जी हैं, इनकी बहू है जो, उन्होंने इतना मेरे परिवार के साथ शोक किया, शायद मैं होता तो मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं बोलूँ मैं शायद मैं किसी की नहीं कर पाता जो कि इन्होंने मेरे परिवार की। और खास डॉक्टर अखराण जी, उनको आधी रात को भी अगर हमने फ़ोन किया, मेरी मम्मी ने फ़ोन किया, तो उन्होंने उस फ़ोन को अटेंड किया और उसका उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया। मैं वहाँ से भी हमें फ़ोन किया, मैं डेट हाउस तो उसके बाद भी हमें इतना ज़्यादा सहयोग दिया कि मैं उसको कहते थे हमारियों सर, जैसे कि आपने कहा आपका खंड में चला था ना इलाज, आपके बाकी फैमिली में सर घर चल रहा था, तो होम क्वारंटीन जो नियम है उनको किया कॉल किया। होम क्वारंटीन के सर मेरी एक फैमिली है जो मतलब अनुशासन आई, जैसा कि इनको अनुशासन बाहर से भी मैं फोन के ऊपर काटा रहता हर टाइम कि भाई अनुशासन के ऊपर ही आपने मेन चीज जो है अनुशासन है, तो उन्होंने अनुशासन का एक पर्चे लिया दो की आपके सामने। बाकी मैं प्रशासन का तहे दिल से आभारी हूँ, जितना प्रशासन ने मेरी मदद की। मैं तो ये चाहता हूँ जो हमारे हिमाचल का प्रशासन है, हमारी सरकार है, वो एक बहुत ही अच्छी सरकार है, जो जितनी लोग है।